प्रियंका जी बताइए, ये भी बताइए कि आपको सरकार की किन किन योजनाओं का लाभ मिला है, अपने बारे में भी बताइए। सर मेरा नाम प्रियंका देवी उर्फ प्रियंका यादव है, घर कटैया प्रखंड जाले दरभंगा से हैं। और सर मेरा 3 बच्चे हैं, सर मेरा 3 बच्चे हैं और पति पत्नी हैं हम, और मेरा एक सासू माँ है, ससुर डेथ कर गया है पिछले साल, और मेरा पति मुंबई में मजदूरी करता है। सर मजदूरी करता है, मेरा राशन कार्ड मिला है जो मुफ्त में, आप लॉकडाउन में इतना मतलब हम लोग पूरा महिलाओं को गरीब को आप इतना देखें जे मत पूछिए, हम क्या सोच भी नहीं सकते हैं जो आप इतना किए। बहुत आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गया कोरोना टाइम में, तो मेरा आप मुफ्त में अनाज दिए, कुछ जनधन योजना में आप कुछ खाते में भी पैसा भेजे, उनसे हम लोग पूरा जीवन के आहार था उस वक्त मेरा कोरोना टाइम में। अच्छा प्रियंका जी, जब ये गारंटी वाली गाड़ी आपके गांव आई है तो वहाँ क्या माहौल है? इतनी बड़ी तादाद में सब बहने बैठी हैं, उत्साह का माहौल है, तो क्या लगता है लोगों को? मिथिलांचल का रीति रिवाज से उसको हम गारंटी वाला मोदी को गाड़ी को बहुत सम्मान करते हैं, और पूरा खुशी खुशी से मनाया जाता है, और मतलब वो बहुत काफी जोरदार से चल रहा है सर। अच्छा भाई, अनाज मिल जाता है, घर में गैस का चूल्हा आ गया है, तो समय भी बचता होगा अब तो? जी सर, 3 बच्चा है, घर में जो चूल्हा मिला है और गैस मिला है उनसे समय तो उसके कारण अब गैस का चूल्हा आ गया तो समय भी बच जाता होगा आपका, तो जो समय बचता है उसका कुछ उपयोग करते हैं क्या? सर समय जो बचता है हम अपना उससे उपयोग करते हैं, क्यों समय सकाल से बच्चा को तैयारी करके स्कूल भेजते हैं, खाना पीना खिला के, तेकरा बाद समय जो हमारा बचता है तो अपना घर परिवार देखते हुए फिर बच्चा को केयर करते हैं हम, और मतलब खेती बाड़ी किसान के मतलब अथी है। तो घर में आने के बाद बच्चों को भी कुछ पढ़ाती हो आप? सर हम मैट्रिक इंटर किए हुए हैं, हम घर में जो बच्चा आता है स्कूल से तो हम उनको पढ़ाते हैं। अच्छा, बच्चे को देखभाल। तो बच्चों को मालूम है सरकार की इन सारी योजनाओं का, बच्चों के स्कूल में बातें होती है? जी सर, बच्चों को पता है। अच्छा, गांव में सब लोग, किसी को अगर योजना नहीं मिली होगी, मानो कोई है जिसको उज्ज्वला का गैस नहीं मिला होगा, तो आपको कहते होंगे कि आपको कैसे मिला और मुझे तो मिला नहीं, तो उसके लिए आप कैसे उनको सलाह देती है? आप तो पढ़ी लिखी है सर। पूरा गांव में जहां तक हम रहते हैं कटैया में सबको उजाला गैस मिला है, घर तक पहुंच गई, और जिसको नहीं पता था उसको कैंप लगा के दिया गया है। चलिए, सबको पहुंचाए सुनकर के मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन ये जो मोदी की गारंटी वाली गाड़ी आई है ना, मैं आप सबको कहता हूँ, अभी भी जहाँ जहाँ कुछ लोगों को मिलना बाकी रह गया है उसको भी मैं लिस्ट बना रहा हूँ। मैं सामने से पूछने के लिए निकला हूँ कि भाई बताओ कोई रह गया है क्या, और आने वाले समय में जितना जल्दी हो सके ये सारी योजनाएं मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ। प्रियंका जी, मुझे बहुत संतोष है कि आप सभी को बिना किसी परेशानी से योजनाओं का लाभ मिला है, और किसी भी योजना के सफल होने के लिए उसका हर लाभार्थी तक पहुंचना बहुत जरूरी है, वरना देश में तो पहले बहुत सी योजनाएं बन जाती है, दिया जलाना, फीता काटना, और सब कागजों पर ही चलता रहता था। हमारी कोशिश है कि नहीं, जो योजना बनती है वो हकदार जो है उसका, उसको ढूंढो, वहां तक पहुंचो, और उसको उसका फायदा मिलना चाहिए, तब जाकर के देश में जो हमें गांव गांव में बदलाव लाना है वो आएगा। और इसलिए हम लाभार्थियों को जानकारी भी देना, जो उनको पता नहीं पता देना, और फिर उनको जोड़ देना। अब गारंटी वाली गाड़ी गांव गांव जाकर हर लाभार्थी तक योजनाओं को पहुंचा रही है। अब देखिए, हमें विकसित भारत बनाना है ना, तो हमें हर परिवार में बदलाव लाना है, और आप जैसी पढ़ी लिखी बेटियां गांव में है, तो मैं पक्का मानता हूं कि गांव के सब लोग जागरूक होकर के, हम सभी महिलाएं एक रहना है। आजकल लोग हमारी महिलाओं के बीच में भी दरारें कर रहे हैं, वो फलाना है, वो टिकना है, नहीं, हम सब महिलाएं एक है, हम महिलाओं की एक ही जाति है,
हम सब एक ही जाति की महिला है, हम सब महिलाओं की जात इतनी बड़ी है कि हम सब मिलकर के अब सारी मुसीबतों का मुकाबला करेंगे। तो इस मूड में आप लोग काम करिए, मैं फिर एक बार आपका बहुत बहुत बधाई देता हूं। आइए, मोदी की गारंटी वाली गाड़ी कहां पहुंच रही है? अब सर हम चलेंगे पश्चिम भारत की तरफ, भरूच गुजरात, जहां अल्पेश भाई आपसे बात करना चाहते हैं। अल्पेश भाई नमस्ते। नमस्कार सर। केम जो? बस मजा में सर। ये हिंदी में बोलो उन फावसे। फावसे तो अपने बारे में कुछ बताइए। सर मेरा नाम अल्पेश कुमार चंद्रभाई निजामा हूँ और मैं गुजरात में भरूच जिले के भरूच तहसील के गांव का रहने वाला हूँ। मैंने बीए किया और फिर मैंने मुंबई में सीटीए का कोर्स किया और फिर बाद में मैंने हार्डवेयर नेटवर्किंग इंजीनियर। क्या 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 कोर्स किया आपने? डिप्लोमा हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग इंजीनियर। अच्छा। सर फिर मैंने जॉब किया, फिर जॉब मैंने छोड़ दिया जॉब, और मेरे पापा की बड़ी लोग की जमीन है उसमें मैं खेती करने लगा। तो कितनी जमीन है आपके पास? मेरे पास 40 एकड़ है सर। तो आप नौकरी छोड़ करके खेती करने के लिए आ गए? हाँ सर। और मुंबई छोड़ करके भरूच आ गए? हाँ सर। हाँ सर। वाह, तो आप तो खेती कर रहे हैं तो बाकी नौजवानों को भी आश्चर्य होता होगा कि भाई ये क्या है नौजवान, सारे लड़के तो गांव छोड़ छोड़ करके शहरों में चले जाते हैं, ये शहर छोड़ करके गांव चला आया। तो सब लोग तुम्हारी मजाक उड़ाते होंगे। नहीं सर। अच्छा, आप खेती करते हैं किस प्रकार से करते हैं, कौन चीजों का करते हैं? क्या आप नेचुरल फार्मिंग करते हैं, ऑर्गेनिक खेती करते हैं, कि पुरानी जो पद्धति होती है वही करते हैं? नहीं, मैं फिलहाल सर जो आपकी जो भारत सरकार ये योजनाएं हैं और जो गुजरात सरकार की जो योजनाएं हैं जो उसमें RKVY और AGR 2 AGR 50 उसमें से मुझे जो ट्रैक्टर उसके जो इक्विपमेंट है वो लिया सर, और वो सब्सिडाइज मुझे दिन मिला, और उसके बाद मैंने ड्रिप इरिगेशन का जो सब्सिडी मुझे मिला 3 लाख रुपया तक, और ये सब जो इक्विपमेंट ट्रैक्टर में मुझे 1,17,000 रुपया तक की सब्सिडी मिली है, और जो आपकी जो पीएम सम्मान निधि योजना है सर उसमें 15 हफ्ता मुझे। अल्पेश भाई, जब मैं आपकी उम्र का था तो मैंने 1 लाख क्या होता है, 2 लाख क्या होता है, 3 लाख क्या होता है सुना ही नहीं था। सही बात। और आप तो लाखों में बात कर रहे हैं। हाँ जी सर। तो आप ये जो लाभ आपको मिले हैं तो दूसरे किसानों को भी अच्छी खेती करने के लिए कुछ सलाह वाला देते हैं क्या? क्योंकि गांव में आप तो मुंबई से आए हैं तो गांव में जरा आपका रुतबा चलता होगा। हाँ सर, मैं सर एक्चुअली आत्मा प्रोजेक्ट से जुड़ा हूँ 2008 से सर, और आत्मा प्रोजेक्ट का जो कर्मचारी था इधर गांव के पंचायत में आए थे और वहां पे मुझे संदेश दिया कि इस ग्रुप में आप जुड़ो तो आपको जो भी अच्छे जब खेती कर रहे हैं दूसरे राज्य में या दूसरे जिले में या दूसरे तालुका में उधर आपको विजिट करवाएंगे, उससे आपको ये फायदा होगा कि आप किस टेक्निक से खेती कर रहे हो और वो लोग किसी कैसी टेक्निक से खेती कर रहे हैं वो आप समझ पाओगे। तो फिर बाद में मैंने सभी जगह पे विजिट किया और आपका प्रोजेक्ट के मुझे उसमें सम्मान पुरस्कार मिला, उसमें तालुका कक्षा में, जिला कक्षा में और राज्य कक्षा में आत्मा बेस्ट फार्मर का अवार्ड भी मिला है, और सौभाग्य की बात यह है सर कि जो जिला पुरस्कार का पुरस्कार जो मुझे मिला आप भरूच में आए थे उसी का ही मुझे आपकी उपस्थिति में मिला है सर, वो मेरी सौभाग्य की बात है और आज मैं आपके साथ सीधी बात कर रहा हूँ सर। अच्छा, आपके पीछे कोई गुड़िया है, कुछ मुस्कुरा रही है, कौन है ये छोटी गुड़िया है जो बड़ी मुस्कुरा रही है, कौन है? मेरी बच्ची है सर, वो 5वीं क्लास में पढ़ती है सर। अच्छा, उसको पूरा मालूम है। क्या नाम बेटा तुम्हारा? मेरा नाम हरी निजामा है। तो तुझे मुंबई जाने का मन नहीं करता है? नहीं सर। तो तुम खेती में कुछ काम करती हो? नहीं, बिल्कुल नहीं करती। अच्छा, ये मोदी की गारंटी वाली गाड़ी आई है तो तुझे मालूम था कि ऐसी यात्रा एक आने वाली है? हाँ। अच्छा, तो तुम्हारे सब दोस्तों को बताओगी? हाँ। पक्का बताओगी? अच्छा, वहां जितने लोग बैठे हैं
उन सबको भारत माता की जय का नारा लगवाओ। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। वाह, देखिए अल्पेश भाई, आप देश के युवाओं के लिए प्रेरणा है। आपने साबित किया है कि देश में कृषि में अच्छा काम करने के लिए भी अपार संभावनाएं हैं। आज बहुत से युवा खेती की तरफ मुड़ रहे हैं। हमारी कोशिश है कि हम अपने किसानों को बीज से लेकर बाजार तक का बेहतर माहौल दें। हमारी कोशिश है कि नई तकनीक, इनोवेशन और नई सोच से हम किसानों की मदद करें। पढ़े लिखे युवाओं का खेती में आना इस संकल्प शक्ति को बड़ी ताकत देता है। मैं आपको, आपके यहाँ शायद ड्रोन का कार्यक्रम होने वाला होगा, और अब तो खेती में जैसे गांव-गांव में ट्रैक्टर ने खेती में बहुत बड़ा जगह ले ली है, आने वाले दिनों में ड्रोन भी लेने वाला है। तो इस जो मोदी की गारंटी वाली गाड़ी आती है ना, उसमें एक ड्रोन का कार्यक्रम भी होता है। तो सब मुझे समझना चाहिए, और आपको और आपके गांव वालों को मैं एक काम भी देना चाहता हूं। अब जब ये गारंटी वाली गाड़ी यहां से जाए तो इसका अगले गांव में और भव्य स्वागत हो, ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग जुड़े, इसके लिए आप नौजवान अगले वाले गांव में जाकर के जरा मेहनत करिए, तैयारी करिए, और 4-5 गांवों का जिम्मा लीजिए। आप लेंगे मेरे ये जितने पीछे हैं जरा हाथ ऊपर करके बताएं, जिम्मा लेंगे? हाँ, शाबाश। चलिए, आप सबको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर, थैंक यू सर। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि हम सबका मार्गदर्शन करें। नमस्कार। मोदी की गारंटी वाली गाड़ी को लेकर जो उत्साह गांव-गांव में देख रहा है, हिंदुस्तान के हर कोने में देख रहा है, चाहे उत्तर हो, दक्षिण हो, पूरब हो, पश्चिम हो, बहुत ही छोटा गांव हो या बड़ा गांव हो, और कुछ तो जान पर मैंने देखा है कि गाड़ी का रूट नहीं है फिर भी लोग गांव वाले रास्ते में आगे खड़े हो जाते हैं और गाड़ी को खड़ी रह करके सारी जानकारियां लेते हैं, तो ये अपने आप में अद्भुत है। और अभी कुछ लाभार्थियों से जो मेरी बातचीत हुई है, मुझे बताया गया है कि इस यात्रा के दौरान 1.5 लाख से ज्यादा लाभार्थियों को अपने अपने अनुभव बताने का अवसर मिला, और ये अनुभव रिकॉर्ड भी हुए हैं। और मैंने पिछले 10-15 दिन में बीच बीच में देखा भी है कि गांव के लोगों की भावनाएं क्या है, योजनाएं मिली है, वो पक्की पूरी मिली है कि नहीं मिली है, पूरी डिटेल उनको पता है, सारी चीजें। मैं आपके वीडियो देखता हूं, मैं तो मुझे बहुत आनंद होता है कि मेरे गांव के लोग भी सरकारी योजनाएं जो मिलती हैं उसको कैसे बखूबी उपयोग करते हैं। अब देखिए, किसी को पक्का घर मिला है तो उसको लगता है कि मेरे जीवन की नई शुरुआत हो गई है। किसी को नल से जल मिला है तो उसको लगता है कि अब तक तो हम पानी के लिए मुसीबत में जीते थे, आज पानी हमारे घर पहुंच गया। किसी को टॉयलेट मिला तो उसको लगता है इज्जत घर मिला है। और हम तो पहले पुराने जमाने जो बड़े बड़े रहीशी लोगों के घर में टॉयलेट होता था, अब तो हमारे घर में टॉयलेट है, तो एक सामाजिक प्रतिष्ठा का भी विषय बन गया है। किसी को मुफ्त इलाज मिला है, किसी को मुफ्त राशन मिला है, किसी को गैस कनेक्शन मिला है, किसी को बिजली कनेक्शन मिला है, किसी का बैंक खाता खुला है, किसी को पीएम किसान सम्मान निधि पहुंच रही है, किसी को पीएम फसल बीमा का लाभ मिला है, किसी को पीएम स्वनिधि योजना से सहायता मिली है,
किसी को पीएम स्वामित्व योजना के जरिए प्रॉपर्टी कार्ड मिला है। यानी मैं योजनाओं के नाम अगर बोलूंगा, जब मैं देख रहा था हिंदुस्तान के हर कोने में चीजें पहुंची हैं, देश भर के गांवों में करोड़ों परिवारों को हमारी सरकार की किसी न किसी योजना का जरूर लाभ मिला है। और जब ये लाभ मिलता है ना, तब एक विश्वास बढ़ता है, और विश्वास एक छोटी लाभ मिल गया, जिंदगी जीने की एक नई ताकत आ जाती है। और इसके लिए उन्हें किसी सरकारी दफ्तर में बार बार चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। भीख मांगने की जो मनस्थिति रहती थी वो गई। सरकार ने लाभार्थियों की पहचान की और फिर उन तक लाभ पहुंचाने के लिए कदम उठाए। तभी आज लोग कहते हैं कि मोदी की गारंटी, यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। मेरे परिवारजनों, विकसित भारत संकल्प यात्रा ऐसे लोगों तक पहुंचने का बहुत बड़ा माध्यम बनी है, जो अब तक सरकार की योजनाओं से नहीं जुड़ पाए। इसे शुरू हुए अभी एक महीना भी नहीं हुआ है, दो तीन हफ्ते हुए हैं, लेकिन ये यात्रा 40,000 से ज्यादा ग्राम पंचायत और कई शहरों तक पहुंच चुकी है। ये बहुत बड़ी बात है कि इतने कम समय में अब तक 1.25 करोड़ से अधिक लोग मोदी की गारंटी वाली गाड़ी तक पहुंचे हैं, उसका स्वागत किया है, उसको समझने का प्रयास किया है, उसे जुड़ने की कोशिश की है, उसको सफल करने का काम किया है। लोग इस गारंटी वाली गाड़ी का आभार प्रकट रूप से कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। और मुझे बताया गया है कि कई जगहों पर कार्यक्रम शुरू होने से पहले ही कई तरह की गतिविधियां पूरी की जा रही है। यानी मैं देखता हूं कि ऐसे एक कार्यक्रम को, जिसके साथ कोई बड़ा नेता नहीं है, सिर्फ भारत को आगे बढ़ाना है, हमारे गांव को आगे बढ़ाना है, हमारे परिवार को आगे बढ़ाना है, सरकारी योजनाओं का लाभ लेकर के आगे बढ़ना है, इतने से एक संकल्प के लिए ये गारंटी वाली गाड़ी पहुंचने से पहले गांव वालों ने जो काम किया है, वो जो जानकारियां मुझे मिली है, बहुत दूर जैसे कुछ गांवों में एक एक सप्ताह तक बड़ा स्वच्छता अभियान चलाया कि भाई चलो मोदी की गारंटी वाली गाड़ी आने वाली है, पूरा गांव लग गया स्वच्छता के अभियान में। कुछ गांवों में जो बताया गया कि सुबह 1 घंटा प्रभात फेरी कर रहे हैं, गांव गांव लोग के जागृति सुना रहे हैं, कुछ जगह पे स्कूलों में जो प्रार्थना सभाएं होती हैं, तो वहां जो जागरूक टीचर है उन्होंने विकसित भारत क्या है, आजादी के 100 साल होंगे तब तक कैसे आगे बढ़ना है, ये बच्चे तब 25-30 साल के 35 साल के हो जाएंगे तब उनका भविष्य कैसा होगा, इन सारे विषयों की स्कूल में चर्चाएं कर रहे हैं आजकल। यानी ऐसे जागरूक जो शिक्षक है वो भी लोगों को शिक्षित कर रहे हैं, और स्कूल के बच्चों ने गारंटी वाली गाड़ी के स्वागत में कई गांवों में बढ़िया रंगोलियां बनाई है। कुछ लोगों ने कलर वाली रंगोली नहीं बनाई तो गांव के फूल पत्ते पौधे लेकर के, कहीं सूखे पत्ते से और हरे पत्ते जोड़ करके बहुत बढ़िया बढ़िया रंगोलियां बनाई है, अच्छे नारे लिखे हैं लोगों ने, कुछ स्कूलों के अंदर नारे लिखने की स्पर्धाएं हुई है। मुझे बताया गया है कि कुछ गांवों में तो गारंटी वाली गाड़ी आने पर हर घर के दरवाजे पर जिस दिन आने वाली थी उसके एक दिन पहले शाम को लोगों ने घर के बाहर दिया जलाया, ताकि पूरे गांव में गारंटी वाली गाड़ी का एक वातावरण बन जाए। यानी ये जो लोगों का उमंग है, और कुछ लोग तो मैंने सुना कि गांव के बाहर तक जाते हैं, गाड़ी आने वाली है तो पूजा का सामान लेकर के, आरती लेकर के, फूल लेकर के,
गांव के दरवाजे यानी गांव के बाहर जो पेड़ होता है, नाका होता है या गेट होता है, वहां तक गए और गाड़ी का स्वागत करते हुए अंदर तक ले गए नारे बोलते बोलते, यानी पूरे गांव में जैसे उत्सव का वातावरण बना दिया। मुझे ये जानकर भी अच्छा लगा कि हमारी पंचायतों ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के स्वागत के लिए हर गांव में अच्छी स्वागत समितियां बनाई हैं। गांव के सब बड़े बुजुर्ग, समाज के सभी वर्ग के लोग, सबको स्वागत समितियों में जोड़ा है और स्वागत समिति के लोग इसका स्वागत करने के लिए तैयारियां कर रही है, जिम्मेदारियां संभाल रही है। मोदी की गारंटी की वाली जो गाड़ी आने वाली है ना, इसकी एक दिन पहले से घोषणा हो रही है। अब तो मैंने कोशिश की है कि भाई जरा एक दो दिन क्या, सप्ते पहले बता दो भाई फलानी तारीख को आएगा, डिग्नी तारीख को आएगा, इतने बजे आएगा, तो गांव वालों का इतना उत्साह है तो पहले से अगर पता चलेगा तो ज्यादा तैयारियां करेंगे। और जिन गांव में गाड़ी जाने वाली नहीं, अगल बगल के दो चार पांच किलोमीटर छोटे छोटे कस्बे होते हैं, उनको भी बुला सकते हैं। स्कूल के बच्चों से लेकर के बुजुर्गों को भी इस योजना में शामिल किया जा रहा है। और मैंने देखा उसमें सेल्फी पॉइंट बनते हैं, इतनी सेल्फी लोग ले रहे हैं और गांव के भी माताएं बहनें मोबाइल फोन का उपयोग करना, सेल्फी लेना और ये सेल्फी अपलोड करते हैं। मैं देखता हूं इतने खुश नजर आते हैं लोग। और मुझे संतोष है कि जैसे जैसे ये यात्रा देश के कोने कोने में पहुंच रही है, लोगों का उत्साह और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। ओडिशा में जगह जगह पारंपरिक ट्राइबल डांस से नृत्य करते हैं लोग, जो परंपरागत हमारे आदिवासी परिवारों में होता है, इतना शानदार नृत्य हो रहे हैं, उनका स्वागत किया है। वेस्ट खासी हिल के मुझे कुछ लोगों ने फोटो भेजे, उसका वीडियो भेजा, वेस्ट खासी हिल के रामराय में कार्यक्रम के दरवान स्थानीय लोगों ने खूब सुंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम किए, नृत्य का आयोजन किया। अंडमान और लक्षद्वीप दूर दूर कोई पूछता नहीं, ऐसे इलाके इतना बड़ा शानदार कार्यक्रम लोग कर रहे हैं और बड़ी खूबसूरती के लिए किए जा रहे हैं। करगिल में जहां अब तो बर्फ गिरी है, वहां पर भी स्वागत कार्यक्रम में कोई कमी नजर नहीं आ रही है। मुझे अभी बताए एक कार्यक्रम में, अभी तो बोले आसपास के लोग इतनी बड़ी मात्रा में, छोटा सा गांव था लेकिन 4,500 लोग इकट्ठे हो गए। ऐसे अनगिनत उदाहरण रोज देखने को मिल रहे हैं, वीडियो देखने को मिल रहा है, पूरा सोशल मीडिया भरा हुआ है। मैं तो कहूंगा कि इन कामों की, इन तैयारियों का जो काम हो रहा है, शायद मुझे तो पूरा पता भी नहीं होगा, इतनी विविधताएं लोगों ने की है, इतने उसमें नए रंग भर दिए हैं, नया उत्साह भर दिया है। मुझे तो लगता है शायद इसका एक बहुत बड़ी लिस्ट बनानी चाहिए ताकि गारंटी वाली गाड़ी जहां जहां पहुंचने वाली है उनको भी तैयारी करने के लिए काम आ जाए। ये सारे सुझाव जो लोगों ने किया है वो अनुभव उनको भी काम आ जाए, तो ये उसकी भी अगर एक लिस्ट बन जाए और वो भी पहुंच जाए तो गांवों में उत्साह बढ़ाने में काम आएगा। इससे उन क्षेत्रों के लोगों की भी मदद मिलेगी जहां ये गारंटी वाली गाड़ी पहुंचने वाली है, जो करना चाहते हैं लेकिन क्या करना वो पता नहीं है, उनको आइडिया मिल जाएगा। साथियों, सरकार की लगातार कोशिश है कि जब मोदी की गारंटी वाली गाड़ी पहुंचे तो गांव का हर एक व्यक्ति उस गाड़ी तक जरूर पहुंचना चाहिए, घंटे भर के लिए खेत का काम छोड़कर के जाना चाहिए, हर बच्चों को, बूढ़ों को, बुजुर्गों को, सबको ले जाना चाहिए, क्योंकि हमें देश को आगे बढ़ाना है। और जब ऐसा होगा तभी हम हर लाभार्थी तक पहुंच पाएंगे, तभी 100% सैचुरेशन का जो संकल्प है ना वो पूरा हो जाएगा। हमारे इस प्रयास का गांव गांव में असर भी दिखाई दे रहा है। मोदी की गारंटी वाली गाड़ी पर पहुंचने के बाद लगभग 1,00,000 नए लाभार्थियों ने उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त गैस कनेक्शन ले लिया है, आवेदन किया है। कुछ गांव है जैसे अभी मैं बात कर रहा था बिहार से, तो हमारी प्रियंका जी कह रही थी मेरे गांव में सबको वो पहुंच गया है,
अच्छा लगा मुझे। लेकिन कुछ गांव है जहां एक दो लोग रह गए, तो गाड़ी पहुंचती तो वो भी ढूंढ ढूंढ कर उनको दे रहे हैं। इस यात्रा के दौरान मौके पर ही 35 लाख से अधिक आयुष्मान कार्ड भी दिए गए हैं। और आयुष्मान कार्ड यानी एक प्रकार से किसी भी बीमार व्यक्ति को जीवन जीने का एक बहुत बड़ा अवसर की गारंटी बन जाता है। गारंटी वाली गाड़ी पहुंचने पर जिस प्रकार लाखों लोग अपना हेल्थ चेकअप करा रहे हैं, और मुझे खुशी है कि सभी राज्यों में हेल्थ का कैंप लगता है इसके साथ, तो गांव में डॉक्टर बड़े बड़े आ रहे हैं, मशीन आ रहे हैं, तो सबका मेडिकल चेकअप हो जाता है, शरीर की तपास हो जाती है, तो पता चल जाता है कुछ कमी है क्या। मैं समझता हूं ये भी एक बहुत बड़ा सेवा का भी काम है, संतोष मिलता है। बड़ी संख्या में लोग अब आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में जाकर, जिसको पहले हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर कहते थे, अब लोग उसको आयुष्मान आरोग्य मंदिर कह रहे हैं, वहां पर जाकर के भी भांति भांति के टेस्ट करवा रहे हैं। साथियों, केंद्र सरकार और देश की जनता के बीच एक सीधा रिश्ता, एक भावात्मक रिश्ता। और मैं तो जब कहता हूं ना आप मेरे परिवारजन, तो मेरे परिवारजनों तक पहुंचने का ये आपके सेवक का एक नम्र प्रयास है। मैं आपके गांव तक आ रहा हूं, गाड़ी के माध्यम से आ रहा हूं। क्यों? आपके सुख दुख का साथी बनूं, आपकी आशा आकांक्षाओं को समझूं, उसको पूरा करने के लिए पूरी सरकार की शक्ति लगाऊं। हमारी सरकार माई बाप सरकार नहीं है, बल्कि हमारी सरकार तो महतारी पिता की सेवक सरकार है। माँ बाप का जो एक बच्चा सेवा भाव करता है ना, वैसे ही ये मोदी आपकी सेवा का काम करता है। और मेरे लिए तो जो गरीब है, जो वंचित है, वे सब लोग जिनको कोई पुछता नहीं है, जिनके लिए सरकारी दफ्तरों के दरवाजे तक बंद है, जिनको कोई नहीं पूछता है, उनको मोदी सबसे पहले पूछता है। मोदी पूछता ही है ऐसा नहीं, मोदी पूजता भी है। मेरे लिए तो देश का हर गरीब मेरे लिए वीआईपी है, देश की हर माता बहन बेटी मेरे लिए वीआईपी है, देश का हर किसान मेरे लिए वीआईपी है, देश का हर युवा मेरे लिए वीआईपी है। मेरे परिवारजनों, देश में हाल में हुए विधानसभा चुनावों के परिणामों की आज भी बहुत चर्चा हो रही है। इन चुनाव नतीजों ने यह साफ कर दिया है कि मोदी की गारंटी में ही दम है। मैं सभी मतदाताओं का आभारी हूं जिन्होंने मोदी की गारंटी पर इतना भरोसा किया। लेकिन साथियों, सवाल ये भी है कि जो हमारे विरोध में खड़े हैं उन पर देश को भरोसा क्यों नहीं है। दरअसल कुछ राजनीतिक दलों को ये सीधी बात समझ नहीं आ रही है कि झूठी घोषणाएं करके वो कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। चुनाव सोशल मीडिया पर नहीं, जनता के बीच जाकर जीतना होता है। चुनाव जीतने से पहले जनता का दिल जीतना आवश्यक होता है। जनता के विवेक को कम आंकना ठीक नहीं है। अगर कुछ विपक्षी दलों ने राजनीतिक स्वार्थ के बजाय सेवा भाव को सर्वोपरि रखा होता, सेवा भाव को ही अपना काम समझा होता, तो देश की बहुत बड़ी आबादी अभाव में, मुसीबतों में, तकलीफों में न रहती। दशकों तक सरकारें चलाने वालों ने अगर ईमानदारी से काम किया होता, तो जो गारंटी मोदी को आज देनी पड़ रही है वो 50 साल पहले ही पूरी गई हो गई होती। मेरे परिवारजनों,
विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही है, इसमें भी बहुत बड़ी संख्या में हमारी नारी शक्ति ही शामिल हो रही है, हमारी माताएं बहनें जुड़ रही हैं। मोदी की गारंटी की गाड़ी के साथ फोटो खिंचाने की भी उनमें होड़ मची है। आप देखिए, गरीबों के जो 4 करोड़ से अधिक घर बने हैं ना, कोई कल्पना कर सकता है? हमारे देश में 4 करोड़ घर इतने कम समय में गरीबों को मिले, और सबसे मेरी खुशी तो इसमें है कि 4 करोड़ घर मिले ना, उसमें 70% लाभार्थी महिलाएं हैं। मतलब कि अगर किसी गांव में 10 घर बने हैं तो उसमें से 7 पक्के घर माताओं के नाम पर रजिस्टर हो गए हैं, जिनके नाम पहले 1 रुपये की भी संपत्ति नहीं थी। आज मुद्रा ऋण के हर 10 लाभार्थियों में से भी 7 महिलाएं ही हैं। किसी ने दुकान ढाबा खोला, किसी ने सिलाई कढ़ाई का काम शुरू किया, किसी ने सैलून पार्लर ऐसे अनेक बिजनेस शुरू किए। आज गांव गांव में देश की 10 करोड़ बहनें स्वयं सहायता समूह से जुड़ी है। ये समूह बहनों को अतिरिक्त कमाई के साधन दे रहे हैं, उन्हें देश की प्रगति में भागीदार का सीधा अवसर दे रहे हैं। सरकार महिलाओं का कौशल विकास की तरफ ध्यान दे रही है, और मैंने एक संकल्प लिया है, शायद कोई भाई पूरी जिंदगी पर रक्षाबंधन इतनी कर ले ऐसा संकल्प नहीं ले सकता है जो मोदी ने लिया है। मोदी ने संकल्प लिया है कि मुझे मेरे गांव में ये जो स्व सहायता समूह चला रहे हैं ना, मुझे 2 करोड़ मेरी बहनों को, 2 करोड़ बहनों को मैं लखपति दीदी बनाना चाहता हूं।